सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हो, आज मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूं लेकर गाजीपुर। ये नाला है गाजीपुर का दोस्तों, ये देख सकते हो, और आगे है आनंद विहार। तो यहाँ से ये अंडरग्राउंड टनल स्टार्ट हो जाती है। तस्वीरें देख सकते हो, जो कि अभी फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों, और साइड में ये पैराफिट वॉल भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर जो सरियाओं का जाल था वो तो बना दिया है, अब कंक्रीट इसमें लगाया जाएगा, यानी कि ये पैराफिट वॉल बनाए जाएंगे। और इधर देख सकते हो, ये स्टील का ब्रिज बनाया गया है दोस्तों, ये देख सकते हो, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है। और आपको बता दूं कि ये RRTS जो बनाई जा रही है दोस्तों, रैपिड एक्स, ये सराय काले खां से स्टार्ट होती है निज़ामुद्दीन से, और ये मेरठ तक जाएगी दोस्तों। ये 82 किलोमीटर का रूट है इसका दोस्तों, और 82 किलोमीटर के रूट में से दोस्तों ये 12 किलोमीटर का पार्ट तो दोस्तों अंडरग्राउंड है, यानी कि 6 किलोमीटर का पार्ट है। यहाँ से ये स्टार्ट होता आनंद विहार से, अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला आनंद विहार के अंदर, फिर उसके बाद में ये साहिबाबाद में निकलेगा जाकर, जो कि एलिवेटेड हो जाएगा दोस्तों। और फिर मेरठ के अंदर भी इसमें दोस्तों आपको बता दूँ कि उसमें भी अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है मेरठ के अंदर में, तो दो जगह टनल बनाई गई है। तो देख सकते हो किस तरीके से ये स्टील का ब्रिज बनाया है इन्होंने, स्ट्रक्चर बनाया है, और इसी पे अब फ्लोर वर्क काम किया जा रहा है दोस्तों। टीम देखो वो लगी हुई है वहाँ पर, तस्वीरें देख सकते हो, ये फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है। यही है नज़ारे यहाँ के, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। यहाँ से ये सीधा सीधा आपको आनंद विहार देखने के लिए मिलेगा दो जाके। और देखो यहाँ पर ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं दोस्तों, और ये सारे में ही फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है। और ये कोंडली का ये नाला है दोस्तों, यहाँ पर ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। आपको बता दूँ जिस साइड में मैं खड़ा हूँ ये है गाजीपुर, और उस साइड में दोस्तों आ जाता है ये खिचड़ीपुर, तस्वीरें देख सकते हो। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है एफकॉन्स द्वारा इस ब्रिज को बनाया गया है। भारी भरकम लंबा चौड़ा ब्रिज है दोस्तों। आगे चलेंगे, आगे दिखाएंगे चल के। देखो वो हमारे इंडियन फ्लैग भी किस तरीके से लहरा रहा है दोस्तों, जो कि सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और इसी तरीके से इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ इंडिया को किस तरीके से न्यू इंडिया बनाया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे चल के दिखाते हैं आप सभी को कि वहाँ पर अभी जोड़ा गया है नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ रोड के किनारे पर है दोस्तों। तो वहाँ पर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते चल के। तो आप लोग बताओ, और ऐसे ही वीडियोज़ देखो के पी संत के चैनल पर। के पी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखो के पी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से ही इस रैपिड रेल को बनाया जा रहा है, जो कि रैपिड रेल का कॉरिडोर है दोस्तों, रैपिड एक्स का, वो बनाया जा रहा है दोस्तों। चलते हैं आगे, क्या क्या वर्क हुआ है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों। दोस्तों ये बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से ये स्टील का ब्रिज बनाया जा रहा है। देखो उधर से होकर आ रहा है वो, देखो वो बनाते हुए आ रहे हैं उधर से, और देखो कितना बन गया है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर ये फ्लाईओवर भी बनाया गया है जो कि नाले के ऊपर है, ये देख सकते हैं। ये पैराफिट वॉल बनाए जा रहे हैं, देखो इनकी सेटिंग लगा दी है इन्होंने, किस तरीके से सेटिंग लगाते हैं ये देख सकते हो। ये देखो सेटिंग लगा दी, अब इसमें कंक्रीट भरती जाएगी। तो ये है, और ये नाले के ऊपर देखो किस तरीके से ये पिलर लगाते हैं, और फिर उसके बाद में फिर इस तरीके से ये किया जाता है दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीर है। तो यहाँ तक तो ये बन के कम्प्लीट हो गया है, अब दूसरा वाला पार्ट वो बस एक पिलर और बचा हुआ है वहाँ पर, वो बीच का पिलर है, उसके बाद में फिर ये पूरा ब्रिज जोड़ दिया जाएगा। तो अभी कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है देख सकते हो, इधर भी अभी फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा देखो। तो इस तरीके से ये बनाई जा रही है रैपिड एक्स का जो कॉरिडोर है वो दोस्तों बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद में आप सभी को ये अपडेट दिया है, तो भारी भरकम देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें भारी भरकम ये लोहा लगा हुआ है दोस्तों। ये देखो किस तरीके से यहाँ पर इंडिया के न्यू इंडिया बनाया जा रहा है दोस्तों,
देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। और देखो किस तरीके से यहाँ पर ये लोहे के पिलर बने हुए हैं नाले के ऊपर दोस्तों, ये देखो, ये देखो बन रहे नहीं बन रहे देखो आप लोग, तो ये नज़ारे हैं। और इसी के लिए आप लोग तड़प रहे थे दोस्तों देखने के लिए, वो आज फाइनली मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूँ। तो आप बता सकते हो कि देखो यहाँ से ये चलेगी भाई साहब, हमारे भारत में पहली बार भाई साहब ऐसी रेल लाई गई है मोदी सरकार के शासनकाल में दोस्तों, के जी रैपिड एक्स के नाम से जानी जाएगी दोस्तों, रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। तो इधर से ये आनंद विहार पड़ेगा उधर की साइड में, और इधर जाएंगे तो सरायकाले खां पड़ेगा दोस्तों। इस पिलर तक तो ये बायोडक्ट जोड़ दिया इन्होंने, जो स्टील के ये जो पार्ट हैं दोस्तों, ये जो गाटर है, और आपको बता दूं कि सबसे लंबा चौड़ा स्टील का यही ब्रिज है दोस्तों। और देखो नाले के ऊपर यहाँ से आने के लिए ये खिचड़ीपुरा सारा, ठीक है, कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर ये वाला है दोस्तों जहाँ डंपिंग यार्ड है। तो यही नज़ारे हैं, देख सकते हो आप लोग तस्वीर है, तो किस तरीके से यहाँ पर जैक लगाए जाते हैं देखो, बोरा वो जैक लगाते हैं और फिर इस मशीन से ये चलता है, तब ये जैक ये उठाते हैं दोस्तों ऊपर स्ट्रक्चर को। देखो वो जैक लगे हुए हैं ना, देखो ये जैक हैं और ये मोटर चलाती है, तब जाके ये उठाते हैं ऊपर को पार्ट को दोस्तों। देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है कंपनी, जो कंपनी है वो ऐप कौन सा दोस्तों, इस मोटर के थ्रू। देखो ये मोटर लगी हुई है ना, ये प्रेशर डालती है दोस्तों उसमें, देखो वो जो जैक रखे हुए हैं वो जैकों को उठाता है फिर ये। तो यही नज़ारे हैं, देखो उधर भी काम चल रहा है, चलो उधर ही चल के दिखाते हैं आप सभी को। तो दोस्तों आया मज़ा आप सभी को देखने का, देखो किस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है रैपिड एक्स का कॉरिडोर दोस्तों, जो कि एक पिलर अभी बचा हुआ है, एक उधर से जुड़ेगा एक इधर से जुड़ेगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे चल के दिखाते हैं आप सभी को, जैसे कौंडली का चौराहा बोला जाता है दोस्तों, देख सकते हो अभी ये पिलर बचा हुआ है यहाँ कनेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको उधर से दिखाता हूँ, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, चारों तरफ से ये चौराहा है, क्योंकि देखो यहाँ तक इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये क्रेन मशीन लगी हुई है, अब इसमें ये नट कसे जाएंगे, कि ये नट कसने का अब काम किया जा रहा है। वैसे तो जोड़ दिया एक एक दो दो पिलर, फिर इसके बाद में ये इसमें नट कसे जाएंगे, नट भी यार बहुत सारे लगे हुए हैं दोस्तों। देख सकते हो ये पिलर बचा हुआ है, और आगे का भी जोड़ दिया उन्होंने। तो इधर का भी आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ से ये इन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों, वो आप लोगों को दिखाते हैं। देखो इस पे अब ये सेटरिंग का जाल इन्होंने लगा दिया है, ये देखो ये सेटरिंग का जाल लगा दिया, अब इसमें अब रखना स्टार्ट कर देंगे। ये कौंडली के बीच में है चौराहे पर दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो, ये यहाँ पर इन्होंने ये बना दिया, फिर ये स्टील का गाटर अब रखना स्टार्ट कर देंगे। तो बस ये वाला पैच बचा हुआ है थोड़ा सा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के उधर की साइड में, देखो किस तरीके से बना रहे हैं। देखो इस तरीके से जोड़ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो इस ब्रिज को बनाया जा रहा है रैपिड एक्स का दोस्तों, जो बनाया जा रहा है RRTS का कॉरिडोर उस पर से। देखो इधर का ये यहाँ से स्टार्ट किया था ब्रिज, तो ये भी बन गया, इसकी सेटरिंग उतार के अब यहाँ पर लगा रहे हैं दोस्तों। ये सेटरिंग लगा दी है और अब इस पर रखना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, जैसे वो बनाया है ना ब्रिज उसी तरीके से इस पर भी बनाया जाएगा, ये देख सकते हो। बाकी तो उधर आपको बता दूँ क्या, इसमें जो ट्रैक बिछाने का काम था वो भी हो चुका है, उस साइड में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लग गए हैं दोस्तों। तो यही नज़ारे हैं, देखो आप लोग तस्वीरें, और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों, KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को न्यू अशोक नगर का RRTS का स्टेशन दोस्तों।